5 बजे तक प्रचार का समय है तो स्वाभाविक है सभाओं का आयोजन होता ही रहेगा, लेकिन तैयारी बहुत दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी बूथों पर जैसे अभेद किला होता है जिसमें कोई प्रवेश न कर सके, इस प्रकार से तैयारी कर रही है। तीसरी बार मोदी सरकार 4 जून 400 पार, इसको लेकर के न जनता में कन्फ्यूजन है, न कार्यकर्ता में कन्फ्यूजन है, न हम लोगों को कन्फ्यूजन है, न आप लोगों को कन्फ्यूजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो विरोधी दल है उनको तो बड़ा कन्फ्यूजन है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं उनको सबको परमात्मा है जो उनको टपक गए, उनको उनको मोदी फोबिया हो गया है। उनको सोते मोदी जी दिखाई देते हैं, जागते मोदी जी दिखाई देते हैं, दिन में मोदी जी दिखाई देते हैं, रात में मोदी जी दिखाई देते हैं। मोदी नाम ने उनको सबको व्याकुल कर दिया है। उनके हाथ से सत्ता चली गई है, अब सत्ता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। इस परेशानी से दोनों शहजादे परेशान हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है सपा कांग्रेस का गठबंधन 0 पर आउट हो रहा है। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं अगर संविधान बचाना है, अगर देश को बचाना है तो अब आप लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं है। महाझूठा श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान के पुजारी हैं, लोकतंत्र के ऐसे वह रक्षक हैं और लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत के संसद भवन में जो जैसे भगवान के मंदिर में शीश झुका देता है वैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां शीश झुकाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार उनके हर अधूरे स्वप्न को साकार करने का काम कर रहे हैं। जो वंचित है, जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, उनका अधिकार उनको दिला रहे हैं। और ये वोट जिहाद करने वाले मोदी जी के बारे में बोलेंगे, 4 चुनाव हार गए हैं, इतनी करारी पराजय के बाद अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ है, तो 4 जून को जनता पूरी तरह से इन दोनों का दिमाग ठीक कर देगी। आप डिप्टी सीएम है तो एक सवाल और भी पूछना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में एक और पार्टी आ गई अजहरुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल। मत पूछिए, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि एक तरफा विजय की ओर हमारा गठबंधन बढ़ रहा है, हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं।